तो गाइज आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि फनटच ओएस 12 का अपडेट आपके वीवो और आईक्यू फ़ोन में कब देखने को मिल जाएगा, उसी के बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि भाई फनटच ओएस 12 जो है हमारे मोबाइल में कब आएगा, तो आज की इस वीडियो में आपको डिवाइस भी बताने वाला हूँ कि वीवो और आईक्यू के किस किस डिवाइस में आपको फनटच ओएस 12 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। साथ में ये भी बताऊँगा कि कब तक आपको देखने को मिल जाएगा फनटच ओएस 12 का अपडेट। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको आगे फ्यूचर में मिलती रहे। तो बात करते हैं सबसे पहले कौन कौन से डिवाइस में आएगा अपडेट, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फनटच ओएस 12 का अपडेट कब तक आएगा। तो पहले बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी इस पर बना रखा है, जिसमें मैंने बताया है कि कौन कौन से डिवाइस में आपको फनटच ओएस 12 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पर डिवाइस में आपको देखने को मिल जाएगा वीवो और आईक्यू डिवाइस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स सीरीज के कुछ फ़ोन से यहाँ पर वीवो X50, वीवो X50 Pro, मैं यहाँ पर सभी नाम लेकर नहीं बताऊँगा, आप यहां पर देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। हो सकता है कि आपका भी इसमें से कोई डिवाइस हो तो आपको पता लग जाएगा कि इस डिवाइस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये अप्रोक्सीमेट है, यानी कि अनुमान के तौर पर है, वीवो ने ऑफिशियल नहीं निकाला है। वीवो जब ऑफिशियल निकालेगा तो उसका आपको डिटेल मिल जाएगा आगे। हो सकता है कि कुछ दिन में वीवो ऑफिशियल लिस्ट निकाल दे कि कौन कौन से फ़ोन्स में आपको फनटच ओएस 12 का अपडेट देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आप जो यहाँ पर देख रहे हैं डिवाइस, इनमें भी काफ़ी संभावना है, करीब 99% संभावना है कि इसमें भी आपको फनटच ओएस 12 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं वी सीरीज के कुछ फोन्स हैं, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं वाई सीरीज के कुछ फोन्स हैं, वीवो Y70, वीवो Y72 5G। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो फ़ोन 1.5 साल पुराने हैं, यानी कि आज से 1.5 साल पुराने, उनमें सभी में आपको फनटच ओएस 12 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि कंपनी जो है लगभग 2 साल तक जो है मेजर अपडेट देती है, लेकिन अगर आपका डिवाइस 1.5 साल या फिर 1 साल का हुआ या फिर 6 महीना 7 महीना हुआ है लॉन्च हुए, तो हो सकता है कि उसमें अपडेट आ जाए। हो सकता नहीं बल्कि 100% श्योर है कि उसमें अपडेट जरूर आएगा। तो उसी के तौर पे यहाँ पर मैंने इस डिवाइस को सेलेक्ट किया, इन डिवाइस को जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो वाई सीरीज के कुछ यहाँ पर डिवाइसेज आप देख सकते हैं कि फनटच ओएस 12 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि आईक्यू डिवाइस जो है, जैसे IQ Z3, IQ5, IQ5 Pro, तो इन सभी में आपको आईक्यू वाले फोन में फनटच ओएस 12 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 3 डिवाइस ऐसे हैं जिसमें अपडेट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। इसमें मतलब 50-50% चांस है कि आ भी सकता नहीं भी आ सकता, जैसे वीवो V19, वीवो Y20, वीवो Y50, इन सभी डिवाइसेज में हो सकता है कि अपडेट ना भी आए और हो सकता है कि आ जाए। लेकिन जो ऊपर मैंने ये सभी बताया, इनमें करीब 100% श्योर है कि इसमें अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा फनटच ओएस 12 का। अब बात करते हैं कि फनटच ओएस 12 का अपडेट कब देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि फनटच ओएस 12 जो है कुछ कुछ फोन्स में आने भी लगा, जैसे वीवो का एक्स सीरीज है उसमें कई फोन्स में आ चुका है, जो नया लॉन्च हुआ उसमें भी आ चुका है फनटच ओएस 12, और धीरे धीरे सभी फोन्स में आ रहा है। और ये लगभग नवंबर के लास्ट या फिर दिसंबर तक और ज़्यादा से ज़्यादा नए साल तक, यानी कि जनवरी में सभी डिवाइसेज को मिल जाएगा। यानी जो भी डिवाइसेज एलिजिबल है फनटच ओएस 12 के लिए, उन सभी डिवाइसेज में आपको फनटच ओएस 12 का अपडेट देखने को मिल जाएगा करीब ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी तक। दिसंबर के लास्ट और जनवरी तक आपको फनटच ओएस 12 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर वीवो भी कुछ दिन में हो सकता है कि यहाँ पर डिवाइस का लिस्ट भी निकाल दे कि किस किस डिवाइस में फनटच ओएस 12 देखने को मिलेगा, साथ में ये भी बता दे कि कब तक मिल जाएगा सभी डिवाइसेज में। तो यहाँ पर मैंने अनुमान के तौर पर बता दिया है कि करीब दिसंबर के लास्ट या फिर जनवरी में आपको फनटच ओएस 12 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको आगे मिलती रहे।